प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य कालाढूंगी पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह देउपा और खेल कोच मनमोहन बसेड़ा ने मंत्री को ज्ञापन देकर कालाढूंगी के अधर में लटके मिनी स्टेडियम का कार्य शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने मंत्री को बताया कि शिलान्यास के 2.5 साल हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है। वहीं क्षेत्रीय विकास सपोर्ट समिति और खिलाड़ियों की वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मिनी स्टेडियम स्वीकृत हुआ था, जिसके लिए बाकायदा कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत की मौजूदगी में 4 फरवरी 2020 को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रहते हुए अरविंद पांडे ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन तब से आज तक मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। वहीं इसको लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। मिनी स्टेडियम कालाढूंगी का विषय यहाँ पर हमारे सम्मानित संगठन के सभी लोगों ने यहाँ पर रखा है, और मिनी स्टेडियम हमारी फ़ौज की तैयारी कर रहे हमारे बच्चों के लिए भी आवश्यक है, खेल प्रतिभाओं के लिए भी, अपने प्रतिभाओं को निखारने के लिए भी एक मैदान की आवश्यकता है। पूर्व में शिलान्यास किया गया ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसके आगे उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। निश्चित रूप से मैं इसका परीक्षण कराऊंगी और कालाढूंगी को सही अवस्था में हमारे को खेल मैदान मिल सके उसको सुनिश्चित कराएंगे।